आज मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। बदनामी से भी नहीं? नहीं, जिस वक्त तुम्हारे पास तुम्हारे साथ होती हूँ तो बदनामी का भी नहीं। तो तुम इस वक्त यहाँ पर क्यों आई हो? नदी सागर से मिलने क्यों चाहती है? सूरजमुखी हमेशा सूरज की तरफ ही क्यों देखता है? और ये पारो अपना स्वाभिमान, अपनी कुल की मान मर्यादा सब कुछ छोड़कर रात के इस वक्त अपनी देव के चरणों में जगह मांगने क्यों आती है? इन सारे सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है देव। जवाब तो एक है पारो, पर सवाल बहुत सारे हैं। कोई सवाल नहीं जब तक हम दोनों साथ हैं। और यही तो वो लोग नहीं चाहते। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी खुशी। पर पारो, बाबूजी इस रिश्ते को हमारी नजरों से नहीं देखेंगे। हम उन्हें मना लेंगे। अगर वो नहीं माने तो? जहां प्यार होता है वहां परवाह नहीं होती देव। जहां आग होती है वहां पर धुआं तो उठता है ना पारो। और मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवारों के बीच में लगे इस आग के धुएं में हम दोनों खो जाएं। खोना तो हर हाल में है देव, या तुम्हारे साथ या तुम्हारे बगैर। चलो तुम्हें घर पहुंचा दूं। साथ चलोगे? बदनामी से डर नहीं लगेगा? कुत्कारे जाने पर तो कुत्ता भी उस चौखट पर वापस नहीं आता। जब दिन के उजाले में बात न बनी तो रात का सहारा लिया तूने। खुलेआम कोठा क्यों नहीं खोल लेते तुम माँ बेटी? ऐसा मशवरा तो बाजार में खड़े होने वाला तल्ला भी अपनी बेटी को नहीं देता बाबूजी। पारो, मैंने तुझे दिए के साथ साथ देवदास के लिए जलते हुए देखा है। पारो, तेरी चाहत की इतनी कीमत है मेरी नजर में कि अगर पूछ कर गई होती देवदास के पास तो एक रात के लिए तेरे वैश्या बनने पर भी मुझे एतराज ना होता। माँ, मैं तो बस पूछने गई थी। और जवाब क्या आया पारो, बता। तू अकेली तो नहीं गई थी पारो? हमारे घर की आबरू को अपने सीने से लगाकर गई थी तू। खुद तो वापस आ गई और उसे वही छोड़ आई। अब जाने भी दीजिए ना बाबूजी, छोटी सी बात का इतना बड़ा तमाशा क्या बनाना। वैसे पारो की इस शॉल का क्या करें? कह दो इसे जाकर लौटा आए, ये रिश्ता नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं करूंगा। डोंट फॉरगेट योरसेल्फ देव। तुम भूल रहे हो तुम किसके साथ बात कर रहे हो। एक सर फेरे जमींदार से जो दूसरों के घर की बेटी को कोठे पर बिठाने की बात करता है। शरीफ घराने की लड़कियां रात के 2 बजे पड़ोसी के लड़के के कमरे से नहीं निकलती थे। कितना मजबूर होगा उसका प्यार, और उसे मजबूर आप लोगों ने किया। बस, मैं तुम्हारी कोई बहस नहीं सुनना चाहता। मैं भी आपसे बात नहीं करना चाहता। फाइन, फैसला हो चुका है। केस इज डिसमिस्ड। आई ऑब्जेक्ट। डोंट यू रियलाइज हमारा कुल उनसे कई गुना ऊंचा है। आई ऑब्जेक्ट। फिर भी खाते तो आप रोटी है ना। हमारा मान मर्तबा ओहदा इतना है, आवर फैमिली स्टेटस, अंग्रेजी सरकार तक हमारी खबर पहुंचती है। आई ऑब्जेक्ट। क्योंकि चलते तो आप जमीन पर ही है ना। आसमान में उड़ते पंछी और पानी में तैरती मछली के बीच में कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आसमान में बसे भगवान और जमीन पर बसे इंसान के बीच में रिश्ता तो देखा है ना। आई सेड आई ऑब्जेक्ट। रुक जाओ देव, देव रुक जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बाबूजी के साथ बात करूंगा, और तुम हवेली छोड़कर मत जाओ। नहीं भैया,
क्या बचपना लगा रखा है देव? बाबूजी की छोटी सी बात छोटी बात होगी, मेरे लिए नहीं। सास से पूछ कर लेनी पड़ेगी, नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी। मेरी बात तो सुनो देव, रुको तो सही। मेरी बात सुनो, बस रोको उसे कुमुद। देव मेरी बात सुनो, तुम कहीं नहीं जाओगे। छोटी माल के बाबूजी से बात करनी, ये सब ठीक हो जाएगा। नहीं धर्मदास, इस तूफान का गुजर जाना ही अच्छा है। अगर तुम गए तो बहुत नुकसान हो जाएगा, हट जाइए। बात सुनो देव, देव जा रहा है पारो, तेरे साथ साथ आज उसके भी इम्तिहान की घड़ी है। आज ये भी देखे उसे प्यार की परवाह है या परिवार की। वो तुझे अपने साथ लेकर जाता है या छोड़कर चला जाता है। और अगर नहीं लेकर जाता तो आज के बाद वही होगा जो तेरी माँ की मर्जी होगी। उस रात जैसे सोचने की शक्ति ही खत्म हो गई थी, जैसे तराजू की टोच पर खड़ा था मैं। तुम्हें खुश देखना चाहता हूं तो बाबूजी को दुखी करता हूं, और ये तो तुम भी नहीं चाहोगी ना पारो। नदी सागर से मिलने क्यों चाहती है? सूरजमुखी हमेशा सूरज की तरफ ही क्यों देखता है? इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के बदले क्यों ना हम इस प्रश्न को ही खत्म कर दें? यही सोच लें कि हमारे बीच प्यार कभी था ही नहीं। हमारे बीच जो कुछ हुआ वो एक लड़कपन था। आज से तुम मेरे लिए वही पड़ोसी की लड़की हो और मैं तुम्हारा दोस्त।